सम्मानित दर्शकों को सादर प्रणाम। अनुदेशक ऑलराउंडर टीचर अनुदेशक चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। साथियों, कला अनुदेशक दिनेश कुमार द्वारा संविली विद्यालय मतियासा ददरौल शायापुर में बनाई गई ऑफिस में पेंटिंग और मॉडल के तौर पर वीणा बनाई गई। आपको इस वीडियो के माध्यम से अद्भुत कला का संगम अनुदेशकों द्वारा सहयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए किस तरीके से देश के भविष्य का सर्वांगीण विकास करते हुए हमारे अनुदेशक भाई बहन जब से वो शिक्षा विभाग में आए हैं तब से बदलाव, एक जादुई बदलाव आया है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में। शुरू करते हैं वीडियो को विस्तारपूर्वक क्या है शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, इसके बाद शुरुआत होती है अनुदेशक भाई बहनों की पीटी, खेल, योगा आदि गुणों को सिखाते हुए छात्र छात्राओं को। तीसरे स्टेप में रंगोली प्रतियोगिता में सहयोग करते हुए स्टेप चार में मीना मंच बाल सभा का आयोजन करते हुए बच्चों को मीना की कहानी सुनाते हुए लैपटॉप से अंतरिक्षा छात्रों में सांस्कृतिक विकास करते हुए लगातार, और आप देख सकते हैं कहानी, स्लोगन, संगीत प्रतियोगिताएं आदि वाद्य यंत्र बजाने का गुण विकसित करते हुए अनुदेशक भाई नेक्स्ट स्टेप में ऑफिस के जितने भी कार्य हैं उसमें कलात्मक सहयोग और सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिलाते हुए बच्चों द्वारा मनमोहक ये पेंटिंग बनाई गई अनुदेशकों के सहयोग से आरटीई मेला पूर्व में आयोजित हुए थे उनमें पूरा सहयोग करते हुए जागरूक करते हुए अनुदेशक भाई हमारे छात्र छात्राओं को और अपनी मांगों को लेकर सरकार से प्रयास करते हुए प्रार्थनाएँ करते हुए अनुदेशक वी वॉन्ट जस्टिस अनुदेशक मांगे सिर्फ नियमितीकरण अनुदेशक एकता जिंदाबाद। साथियों, आपने देखा किस तरह शिक्षा विभाग में अनुदेशक 13 खाना नहीं 14 खाना रेंज की तरह काम कर रहे हैं और फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है और देश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है इन अनुदेशक भाई बहनों के द्वारा। बस इनकी एक ही मांग है कि सरकार इन्हें नियमितीकरण से नवाजे, इनकी मेहनत को देखे और इनको उचित सम्मान देने का अपना जो वादा है उसे निभाए। यहाँ पर एक बेहतरीन सी कहानी लेकर आया हूँ, सुनाऊँगा
आपको इसी एपिसोड में। दोस्तों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। हमारे सर का मैसेज है, शिव कुमार मिश्रा जी जो कि इस समय डिबेट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, SCN न्यूज़ के माध्यम से, सुरेंद्र दुबे, रुद्र प्रताप दुबे जी, और ये त्रिमूर्ति हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य करने हैं, हमारे लिए निमित्त कराने के लिए लगातार 22-24 दिनों से लगे हुए हैं अपने चैनल के माध्यम से। और उन्होंने कहा था कि हम देखना चाहते हैं अन्वेषक किस तरीके से शैक्षिक कार्य करते हैं, किस तरीके से विकास कर रहे हैं छात्र छात्राओं के अंदर, अपने विद्यालयों में रह के अपना अपना वीडियो बनाकर भेजें। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अनुदेशक कई कामों को अंजाम देता है, कई शैक्षिक कलात्मक गुणों को विकसित कर रहा है, किस तरीके सूत के साथ। यहाँ पर KL भास्कर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बेहतरीन सी पेंटिंग अपनी पेंटिंग के माध्यम से संविदा दर्द को बयां किया है। और डिबेट में भी हमारी KL भास्कर जी आई थी और इनको अभी सराहना मिली है इंटरनेशनल स्तर पर। उनकी एक और पेंटिंग है जिसे मैं लगातार अपने चैनल में दिखाता हूँ और जो कि मुझे बहुत पसंद है। और जब शिक्षा कार्य समान तब वेतन क्यों असमान, ये भी एक पेंटिंग बनाई थी। तो मैं उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगी। आप अपनी पेंटिंग के माध्यम से साइलेंट पावर के तरीके से और आर्ट के रूप में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, हमारे अन्वेषक भाई बहनों की आवाज़ को उठा रहे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे ये वीडियो, हमारे शिव कुमार मिश्रा जी सर तक पहुँचे, उनके चैनल पर पहुँचे, ताकि वो देख सकें कि अन्वेषक किस तरीके से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं अल्प मानदेय में। साथियों, आप सुनाना चाहूँगा यहाँ पर एक कहानी बेहतरीन सी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, संविदा शिक्षक का दर्द। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देव। आज लेकर आया हूँ अनुदेशक न्यूज़ चैनल पर मोटिवेशनल ये स्टोरी जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में धमाल मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, लघु कथा है संविदा शिक्षक का दर्द, ये शीर्षक है इसका, संविदा शिक्षक का दर्द। कहानीकार हैं क्षमा परवीन, बहराइच, उत्तर प्रदेश। मास्टर साहब, हमारा बकाया कब दोगे? भाई, दे दूंगा, तनख्वाह आने दो। अगर आप हमारे महीने को कुछ दिन पढ़ाए ना होते तो कसम से हम अपना पैसा आज ही वसूल कर लेते आपसे। और हाँ मास्टर साहब, अच्छा हुआ थोड़े ही दिन पढ़ाए, वरना वो भी आपके ही तरह उधारी के भरोसे ही जीवन जीता। थू थू उधारी, कम से कम मजदूरी करके चार पैसे तो लाता है, आपकी तरह बेकार तो नहीं है। ये बताओ मास्टर साहब, आप रोज समय से विद्यालय जाते हो, वो भी पैदल, मेहनत भी करते हो, सरकारी विद्यालय में भी हो, पर तनख्वाह काहे ना पावत हो? हाँ एक बात और, अगर ना पावत होती तनख्वाह तो विद्यालय ना जाते, वहीं विद्यालय में मास्टर लोग चार पहिया गाड़ी से ठाट वाट से जावत हैं और शान से जियत हैं। सच का है मास्टर साहब, बताओ जरा, आपकी खराब हालत देखकर मैंने मुन्ने को विद्यालय जाने से रोक दिया। दिन भर आप पढ़ाते हो और पढ़ाते हो, फिर पैसा क्यों नहीं पाते? ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जो परिवार की आवश्यकताओं की पूरी ना कर सके? चाचा, विद्यालय जा रहा हूँ, वापसी में बात करता हूँ, नमस्कार। ऐसे कैसे चले जाए, पैसा दो या जवाब दो? कहीं नशा में तो पैसा ना ही खर्चा करते हो, पर देखने में तो सज्जन लगते हो। चाचा, मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं संविदा शिक्षक हूँ। क्यों हूँ पता नहीं, जब से जाना संविदा में हूँ तब से पूरी लगन से जी तोड़ काम किया है। मैं हमेशा से मेहनत करता हूँ, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। ईश्वर और खुद पर भरोसा है मुझे, एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। रही आपकी उधारी की बात, मैं बीमार हो गया था इसलिए दे नहीं पाया, दवाई में पैसे खर्च हो गए, कई महीने से मानदेय आया नहीं है, जैसे ही आएगा दे दूंगा। अमानत के तौर पर ये मेरी घड़ी आप रख लो, जब आपका बकाया दूंगा घड़ी वापस दे दीजिएगा। और हाँ,
मुन्ने को विद्यालय आपने मेरे हालात देखकर नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं भेजा, क्योंकि हमारे विद्यालय में मेरे अलावा कोई भी संविदा शिक्षक नहीं है। मेरे अलावा आपने और शिक्षकों की कामयाबी जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के द्वारा हासिल हुई है वो क्यों नहीं देखी? सबकी कार देखते हो, कामयाबी देखते हो, वैसे ही मुन्ने को बनाने की क्यों नहीं सोचा? अच्छा जीवन जीना बिना शिक्षा के संभव नहीं है, और आज ही से उसे विद्यालय भेजिए। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, आप ही मुन्ने को विद्यालय ले जावा जाएं। आपका दुख सुनकर बहुत पीड़ा हुई, पर आपकी हिम्मत देखकर विश्वास है आप सफल होंगे। नमस्कार मास्टर साहब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी संविदा शिक्षक भाई बहन हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें और हिम्मत रखें, हौसला रखें। एक कहावत भी है, और भी गम है ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, हौसला है तो सब कुछ है, आज नहीं तो कल नियमित होना है हम सबको, भी समझा करनी है। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए।